नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं महान संतों की श्रृंखला में एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहा हूं जो स्त्री थीं और उन्होंने जो है शिव को भगवान के पति को पति के रूप में अपने प्राप्त कर लिया था। वो मन से भगवान शिव को ही अपना पति मानती थीं और उन्हीं के प्रति समर्पित रहती थीं। दक्षिण भारत की इन संत को आप बहुत ही कम लोग जानते हैं और इनके विषय में बहुत ही कम जो है ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बारे में बताना, आखिर वो कौन है। ये जो देवी थी इनका नाम था अक्का महादेवी। अक्का महादेवी जो थी ये वीर शैव धर्म से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला संत थी। ये लगभग 12वीं शताब्दी के समय में जो है इनके विवरण हमें प्राप्त होता है। इनके जो वचन थे वो कन्नड़ जो भाषा है उसके गद्य में भक्ति और कविता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं और वो हम उनके विवरणों से हम आज भी जान पाते हैं कि ये कविताएं उन्होंने लिखी थी। अक्का महादेवी जो थी इन्होंने कुल मिलाकर लगभग 430 जो है वचन यानी कि कविताएं कही थी और अन्य जो है उनके समय के जितने भी संत थे उनके वचनों की अपेक्षा इन्होंने कम लिखा है, लेकिन फिर भी इनका विवरण और महत्व अत्यधिक है और माना भी जाता है। इस वजह से वहाँ के गद्य साहित्य में और कविताओं में इनका विवरण बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इन्हें जो है वीर शैव धर्म के अन्य संतों जैसे वसव हैं, चैन वसव है, किन्नरी बोम्या है, सिद्धर्मा है, आलाम प्रभु हैं, दस मैया, इस प्रकार के जो अन्य संत थे उनके बराबर ही महत्व दिया जाता है। आपके लिए ये नई बातें होंगी, लेकिन ये सभी संत थे और दक्षिण भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, क्योंकि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के संतों के बारे में कम जानते हैं, उनकी कहानियों के बारे में कम जानते हैं। तो इनका जो जन्म है अक्का महादेवी का, ये 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य जो था वहाँ में उदुती जो है नामक स्थान पे हुआ था। तो उदुतदी जो है कि स्थान एक प्रसिद्ध स्थान है जो जहाँ के बारे में इनके बारे में उनका विवरण प्राप्त होता है। वे एक महान जो है शिव भक्त थी और 10 वर्ष की ही आयु में, केवल अति छोटी उम्र में उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई थी। उन्हें जो है शिव मंत्र दिया गया था केवल जब वो मात्र 10 वर्ष की थी और अक्का महादेवी ने अपने सलोने प्रभु का सचिव चित्रण जो है अनेक कविताओं में किया है और उनका कहना था कि वे केवल नाम मात्र की एक स्त्री हैं, किंतु उनका देह मन आत्मा सब भगवान शिव है, अर्थात भगवान शिव को पूरी तरह से वो समर्पित थी। शिव के अतिरिक्त उनके जीवन में और कोई भी नहीं था। अक्का महादेवी जो थी एक बहुत ही बड़ी शिव भक्त थी और शिव को जो है अपने पति के रूप में देखती थी और पति के रूप में उन्होंने प्राप्त करने की प्रार्थना कर ली थी। तो बचपन से ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से इस प्रकार शिव के प्रति समर्पित कर दिया और जब वो युवा हो गई, तो मतलब कि काफ़ी बड़ी हो गई, 16-17 साल की हो गई, तो वो वहाँ का एक स्थानीय जैन राजा था। वहाँ का जो स्थानीय जैन राजा था उसका नाम था कौशिक। कौशिक जो था वो अक्का महादेवी के जो है अद्भुत सौंदर्य पर मुग्ध हो गया, क्योंकि अक्का महादेवी अत्यंत ही सुंदर गौरवर्णी कन्या थी। तो उन पर जो उनको एक बार देखकर ही वहाँ का राजा कौशिक पूरी तरह से उन पर मुग्ध हो गया और परिवार के लोग जो है विवाह के लिए सहमत हो गए, क्योंकि राजा के कोप का भाजन परिवार वाले नहीं बनना चाहते थे। राजा बाकी लोग ये सोचते थे अगर हम इसे मना करेंगे तो ये निश्चित रूप से हमें दंड दे देगा और हम सह नहीं पाएंगे, क्योंकि राजा है। तो पुराने ज़माने में राजा लोग ऐसे ही होते थे, वो जो भी सुंदर कन्या होती थी उससे विवाह कर लेते थे, जो उन्हें अद्भुत दिखाई पड़ती थी उसे अपने पास ही रख लेते थे। तो इसी प्रकार अक्का महादेवी ने राजा से विवाह कर लिया, किंतु जब उन्होंने शारीरिक रूप से उनके साथ संबंध नहीं बनाया तो इस वजह से ऐसी घटनाएं बनने लगी कि
राजा उन पर जो है धीरे धीरे क्रोधित होना शुरू हो गया कि आखिर यह मुझसे शारीरिक संबंध क्यों नहीं बनाने दे रही। और अक्का देवी कहती थी कि उनका विवाह पहले ही शिव से हो चुका है। राजा उनसे कई तरीकों से प्रेम निवेदन करता रहा, लेकिन हर बार वो शिव से विवाह करने की बात को दोहराती रही। वो यही कहती थी कि मेरा तो विवाह शिव से हो चुका है। तो शुरुआत में तो राजा ने इन बातों को अनदेखा किया, लेकिन फिर वो धीरे धीरे क्रोधित होने लगा। एक दिन राजा ने सोचा कि ऐसी पत्नी को रखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी पत्नी के साथ भला कोई कैसे रह सकता है जिसने किसी अदृश्य या अनजाने व्यक्ति से विवाह कर लिया है, जो दिखता ही नहीं है उससे ये कह रही कि मेरा विवाह हो गया है, मैं उनसे उनको ही अपना पति मानती हूँ। उन दिनों औपचारिक रूप से तो जो है तलाक नहीं होते थे, क्योंकि हिंदू धर्म में तलाक नहीं होता है। इसलिए राजा परेशान रहने लगा, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अक्का को अपनी राजसभा में बुलाया और राजसभा से फैसला करने को कहा। कहते हैं जब सभा में अक्का महादेवी से पूछा गया तो वो यही कहती रही कि उनके पति कहीं और हैं, उनके पति इस दुनिया में नहीं हैं, वो दूसरी दुनिया में हैं और मैं उनको ही अपना पति मानती हूँ, वो है भगवान शिव हैं। राजा को और भी क्रोध आ गया, क्योंकि इस पूरे भरे समाज में, भरी सभा मंडप में उसने इस तरह की बातें कही थी, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने पत्नी कह रही थी कि उसका पति कहीं और है, तो इस प्रकार की बातों से वो क्रोधित होने लगा। और समय वो 800 साल पहले का भी था, क्योंकि राजा एक छत्र अधिकारी होता था तो उसके लिए सहन करना अत्यंत कठिन हो गया। समाज में ऐसी बातों का सामना करना आसान नहीं था कि कोई पत्नी, वो भी कोई राजकुमारी या महारानी जो है, ऐसी बातें कहें और राजा के विरुद्ध। तो राजा ने कहा, अगर तुम्हारा विवाह किसी और से हो चुका है तो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, चली जाओ। राजा के ऐसे आदेश से अक्का महादेवी वहां से चल पड़ी। जब राजा ने देखा अक्का बिना किसी परेशानी के उसे जो है छोड़कर जा रही है, तो क्रोध के कारण उसके मन में एक नीच भाव पैदा हो गया। तो उसने उन पर भरे दरबार में व्यभिचार के आरोप लगाए, अर्थात तू पर पुरुषों से संबंध बनाती है, इसीलिए तू ऐसा सोच रही है, ऐसा कह रही है। तो महादेवी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अरे मूर्ख इंसान, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, तुम तो एक सामाजिक घटना के कारण मुझे पत्नी मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है पहले मैं किसी और को ही दे चुकी हूँ, अर्थात मैं पूरी तरह खाली हो चुकी हूँ। तो राजा ने अपना आपा खो दिया और बोला, तुम्हारे पास जो भी है वो मेरा है, गहने, कपड़े, सब कुछ, जो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी जिंदगी किसी और की है। ये सुनकर अक्का महादेवी ने पूरे दरबार के सामने, जहाँ पर हजारों पुरुष खड़े थे, 18 वर्ष की उस नवयुवती अक्का महादेवी ने अपने सारे कपड़े उतारने शुरू कर दिए और पूरी तरह से नग्न हो गई। पूरी सभा यह देखकर आश्चर्यचकित होकर सबने अपनी आंखें फेर ली। इस प्रकार पूरी तरह से नग्न होकर वो वहां से चली गईं। इसके बाद वो नग्न अवस्था में ही रहीं। उन्होंने सिर्फ कपड़ों का आवरण ही नहीं त्यागा था, उन्होंने अपना अहम, अपनी लज्जा और अपना आवरण भी त्याग दिया था। वो रोज भिक्षा मांगती थी और भिक्षा मांगते हुए शिव से कहती थी कि शिव, ऐसा करो कि मुझे भोजन ना मिले, आपका हिस्सा बनने के लिए मैं जिस बेकरारी और पीड़ा से गुजर रही हूँ, मेरा शरीर भी उसे प्रकट करे, अर्थात महसूस करे। अगर मैं भोजन करूँगी तो मेरा शरीर तृप्त हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, इसलिए ऐसा करो कि मुझे भोजन नसीब ना हो। अगर भोजन मेरे हाथों में आ जाए तो वह मेरे मुंह में जाने से पहले ही मिट्टी में गिर जाए, अगर वो मिट्टी में गिर जाए तो इसके पहले कि मेरी जैसी मूर्खा उसे उठाने की कोशिश करे तो कोई कुत्ता आकर उसे ले जाए। इस प्रकार वो
जब भी भोजन के लिए मांगती थी और गुजरती थी तो इसी प्रकार की प्रार्थना करती थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सारे लोग उन्हें भोजन दे देते थे, उन्हें कभी किसी दिन किसी क्षण भी जो है बिना भोजन के नहीं रहना पड़ा था। अक्का महादेवी जी जो थी वो पूरे जीवन भर निर्वस्त रहीं और एक महान संत के रूप में प्रतिष्ठापित हो गईं। उनका निधन बहुत ही कम उम्र में हो गया, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने शिव और उनके प्रति अपनी भक्ति के बारे में सैकड़ों खूबसूरत कविताएं लिखीं जो आज भी विद्यमान है। इस प्रकार अक्का महादेवी ने शिव से एकाकार स्थापित कर लिया। तो ये थी अक्का महादेवी और उनका जीवनी और एक अद्भुत संत के रूप में भगवान शिव से एक रूपता इन्होंने स्थापित कर ली। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।